हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट मार्ट मोबाइल ट्रेडिंग ऐप का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड करेंगे। टाइप करेंगे प्रॉफिट मार्ट, एंटर। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। मैं ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड कर चुका हूँ। ये आइकन आपके मोबाइल पे बना हुआ आएगा। आई होप के इस समय तक आपको आपका आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। इसमें मैंने अपना एक यूज़र आईडी डाला हुआ है, आपको भी अपना एक यूज़र आईडी यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट करेंगे। आपको जो पासवर्ड आया है वो आपको इसमें एंटर करना है। कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जब हम लॉगिन करेंगे तो एक इमेज के बारे में पूछा जाएगा। आपको कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करना है, कोई भी आप अपनी तरफ से एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको कोई 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको इसमें सेव करने हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इसमें है, फीचर है। तो इसमें लाइक 5 क्वेश्चन जैसे होंगे, जैसे कि आप मेजरली कौन से कॉलेज में गए या कौन सा आपका फर्स्ट नेम क्या था। तो ये 5 कोई क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं। एक इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो आप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसमें आप एक ही आंसर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सबका आंसर एक स्मॉल लेटर ए रख रहा हूँ। पहला मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा मैंने सेलेक्ट किया, तीसरा मैंने सेलेक्ट किया, चौथा, और लास्ट में एक और पांचवा। ये एक आसान तरीका है। आप चाहें तो एक एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आपको लॉगिन करते हुए आसानी रहेगा। अब दोबारा से हम इसको लॉगिन करेंगे अपने पासवर्ड के साथ। नेक्स्ट। अब वो इमेज आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। डी कंटिन्यू। अब आपसे कोई 2 क्वेश्चंस पूछेगा, वो आप 5 में से, अब आपको सेम आंसर आपने रखा है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये एक आसान तरीका है कि आपको आंसर भूल ना जाए इस वजह से। अदरवाइज आप पुराना भी यूज़ कर सकते हैं। साइन इन करेंगे हम इसको। साइन इन करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा कि पासवर्ड इज़ एक्सपायर्ड और यूज़र लॉग्ड इन फर्स्ट टाइम, प्लीज़ चेंज द पासवर्ड। तो आपको जो फर्स्ट पासवर्ड आया है वो हम अब चेंज करेंगे और आप अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक नया पासवर्ड बनाएंगे, करंट पासवर्ड डालेंगे। और न्यू पासवर्ड आप बना सकते हैं, और पासवर्ड कैसा होना चाहिए ये नीचे लिखा हुआ है, आप उसके हिसाब से आप एक पासवर्ड नया बना सकते हैं। सबमिट करेंगे। तो अब ये पासवर्ड आपका चेंज हो गया है एंड 14 डेज में ये एक्सपायर होगा। आप ओके करें। ओके होने के बाद ये फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखेगा, सबसे पहला काम होगा कि हमें इसमें एक मार्केट वॉच बनाना है। तो सबसे पहले अगर आप सबसे नीचे तरफ देखेंगे बॉटम पे, तो आपको दिख रहा है होम, मार्केट वॉच, पोजीशन एंड ऑर्डर। आप क्लिक करेंगे मार्केट वॉच। अब मार्केट वॉच जब आपका ये आएगा तो आपको आपके राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आप उसको एक बार क्लिक करेंगे। मैनेज वॉच लिस्ट, इसको आप क्लिक करें।
हम एक वॉच लिस्ट बनाएंगे, कोई आप नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको आप ओके करेंगे। अब इसमें हमको स्क्रिप्ट ऐड करना है, तो इसमें दो फीचर्स हैं, आप एक डायरेक्ट स्क्रिप्ट को यहाँ पे टाइप करेंगे, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डाला है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारी SBI की स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SBINEQ, इसको मैं प्लस करूँगा और नीचे आप देखेंगे तो ऐड स्टॉक्स ग्रीन टैब, उसको आप क्लिक करेंगे एंड आपका एक कैश सेगमेंट का एक वॉच लिस्ट बन गया है इसमें, जिसमें आप SBI देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन एक और है ऐड करने का, अब जब आपका ये मार्केट वॉच बन गया है, आप एक प्लस का आप साइन देख सकते हैं बीच में, उसको आप क्लिक करेंगे। नीचे आप एक एडवांस सर्च का ऑप्शन भी देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आप ऑप्शंस हैं आपके पास, आप पर्टिकुलरली करेंसी, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, कोई भी सेगमेंट का पर्टिकुलर, अगर आपको ऑप्शंस में आपको इसको मार्केट वॉच बनाना है, कोई आपको किसी निफ्टी की कॉल या डेरिवेटिव्स में किसी भी चीज़ का आपको फ्यूचर ऐड करना है, तो आप यहां से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसमें चूज़ करते हैं डेरिवेटिव NFO बाय डिफ़ॉल्ट। इंस्ट्रूमेंट में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक, ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन स्टॉक, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें फ्यूचर इंडेक्स हम ऐड करते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड निफ्टी IT, तो इसमें हम बैंक निफ्टी ऐड करते हैं, एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड टू वॉच लिस्ट। आपकी वॉच लिस्ट जो है वो सामने दिखेंगी, आप किसी भी एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, हमने ऐड किया तो ये आपका बैंक निफ्टी भी इसमें ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अब हमारी वॉच लिस्ट में हमने स्क्रिप्ट्स ऐड करना सीख लिया है, अब हमें पे इन कैसे करेंगे हम इसमें, तो उसके लिए सबसे पहले हम होम एक बार आप जाएंगे, ऊपर आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, आप उसको क्लिक करेंगे। इसमें आप सेकंड लास्ट अगर ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आ रहा है पे इन लिंक्स, तो इसको हम पे इन लिंक्स को हम एक बार सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें अगेन 2 ऑप्शंस आ रही हैं आपके लिए, पे इन एंड पे आउट। तो पे इन जब हम पे इन करेंगे, उसको हम क्लिक करेंगे, तो ब्राउज़र आपको डायरेक्टली आपके जो मोबाइल, आपका जो बैंक लिंक है उसके पास ले जाएगा आपको। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे, सेगमेंट्स आर ऑलरेडी देयर, इसके अंदर ऑलरेडी है। एक्सचेंज में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, NSE, NFO, CDS, MCX, कोई भी आप एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको पैसा डालना है। क्योंकि लेजर कॉमन है तो आप एक फ़ंड किसी भी सेगमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप कोई भी एक सेगमेंट एक्सचेंज यूज़ करेंगे। बैंक मेरा अपने आप लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं मैं इसमें अमाउंट डालूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल अमाउंट ले लीजिए, सबमिट करूँगा और ये मुझे डायरेक्टली मेरे बैंक की साइट पर ले जाएगा। तो एक बार हम दोबारा ऐप के ऊपर आते हैं, तो इस तरीके से आप अपना अमाउंट पे इन कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें देखना है कि वो पैसा आपका कहाँ पे दिखेगा, तो हम एक बार फिर से वो 3 लाइंस जो हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, उसको आप क्लिक करेंगे, मार्केट ट्रेड को आप क्लिक करेंगे, ट्रेड के नीचे आप देखेंगे लास्ट में 3rd लास्ट ऑप्शन है लिमिट्स, आप लिमिट्स को एक बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी वो पे इन अमाउंट भी देख सकते हैं, पे आउट देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं, सारी चीज़ें, नेट कैश अवेलेबल, आपका कोई होल्डिंग है, उसकी कोलेट्रल इवेल्युएशन, सारी आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसमें ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे। तो आप अपने मार्केट वॉच में जाएंगे, आप अपनी मार्केट वॉच जो देख रहे हैं, हमने आप देख याद होगा हमने बैंक निफ्टी और SBI एक कैश सेगमेंट में हमने ऐड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई चीज़ को बाय करना है, तो उसमें आप कोई भी एक स्क्रिप्ट को आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं SBI को क्लिक करता हूँ,
अब आप नीचे देखेंगे बाय सेल डेप्थ चार्ट एंड डिटेल, तो बाय को हम एक बार सेलेक्ट करेंगे। जब आप बाय को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी एक ये विंडो खुलेगी जिसमें सबसे पहला आ रहा है प्रोडक्ट टाइप, तो इसको अब हम एक बार क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। CNC, MIS, CO एंड BO। CNC आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपको कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेना है, MIS आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपको इंट्राडे में करना है, एंड देन कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर भी इसमें अवेलेबल है। रिटेंशन टाइप में आप इसको डे रख सकते हैं, इसको आपको चेंज नहीं करना है। ऑर्डर टाइप में अगेन आपके पास ये वाले ऑप्शंस हैं, लिमिट, मार्केट एंड स्टॉप लॉसेस। लिमिट अगर आपको अपना कोई रेट आपको प्राइस डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो वो मार्केट के ऊपर आपका बाय होगा। उसके बाद करने के बाद आप नीचे इसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू बाय ऑर्डर एंड कन्फर्म करेंगे तो ये ऑर्डर आपका यहाँ पे दिखेगा। आप ऑर्डर बुक जैसे आप नीचे देख सकते हैं, ऑर्डर में जाएंगे, अभी ये रिजेक्ट हुआ है क्योंकि मार्केट इज़ क्लोज्ड ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे पोजीशन का एक ऑप्शन है, पोजीशन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका डेली का M2M रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखेगा। अगर आप होम में जाएंगे तो आपको बीच में एकदम जो आपको एक दिख रहा है, दिस इज़ होल्डिंग्स, जो भी आपकी होल्डिंग होगी वो उसकी वैल्यू दिखाएगा और आपका डे का P&L भी दिखाएगा। तो मैं आशा करता हूँ एक ये सिंपल सा वीडियो आपको एक ऐप, मोबाइल ट्रेडिंग ऐप चलाने में आपको एक हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।